बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमने जो गंदम की काश्त है वो शुरू कर दी है और अभी हम जो गंदम के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ हल चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी हम जो बीज है और खाद भी वो लेकर आ गए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये बीज हम लेकर आए हैं, अस्क्री सीड कंपनी का नाम है ये, आप देख सकते हैं बहुत ही आला किस्म का बीज है। और ये इसकी जो किस्म है फैसलाबाद 2008 है, ये वैरायटी फैसलाबाद 2008 है। और वज़न इसका जो 50 किलोग्राम है, एक एकड़ में ये डालना है। और इसके साथ ये एक बोरी DAP खाद है डालनी है हमने, ये है DAP, आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो दूसरी है ये फार्मूला हमने लगाना है, इसका बहुत फ़ायदा है। ये इसका नाम है ये सीनियर है और ये होम्योक एसिड है, ग्रीनलेट कंपनी है ये। और इसका बहुत फ़ायदा है, इसके लगाने से जो ज़मीन के जो है वो नशोनुमा बढ़ती है। और इसके साथ जो गंदम के बीज को हमने ये ये दवाई लगानी है, ये आप देख सकते हैं ये दवाई हमने लगानी है बीज को। इसके लगाने का फ़ायदा ये है, जो बीज है वो 100% उसकी जो जर्मिनेशन होती है और बहुत ही अच्छा उगता है इसके साथ है। ये देख सकते हैं आप। और दूसरी साइड पे हम ट्रैक्टर के साथ हल चला रहे हैं ज़मीन में, आप देख सकते हैं ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। इसको दो दफ़ा जो जिसके हमने जिसको से लगा है जो अब ये जो ज़मीन है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें हम अब बीज डालेंगे और खाद वगैरह ये डालकर उसके बाद ट्रैक्टर से रोटावेटर वो चलाएंगे इसमें। आज जो हमने 8 एकड़ है जो ज़मीन तैयार कर ली है ये काश्त करनी है हमने। दो दफ़ा हमने और इसका जो ट्रैक्टर के हल चलाने का खर्चा है एक एकड़ में तकरीबन जो है 700 या 800 के करीब है। मशीन के 4 लीटर एक एकड़ में तेल लगता है सिंगल जो हल चलाने का, अगर डबल चलाएं तो फिर 6 या 8 लीटर लगता है। ये 385 ट्रैक्टर के साथ हम इसका चला रहे हैं, डिस्क चला रहे हैं इसमें।
इस वक्त हम खाद डाल रहे हैं ज़मीन में, आप देख सकते हैं ये हमने खाद में मिक्स किया ह्यूमिक एसिड और ये डीएपी खाद मिक्स करके डाल रहे हैं एक एकड़ में। और इसके बाद बीज डालना है, मुकम्मल वीडियो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जो दवाई हमने मिक्स कर ली है पानी में और जो बीज है वो पल्ली के ऊपर डाल दिया है और इसके बाद इसके ऊपर ये डालने हैं, छिड़काव करेंगे इसका। इस तरह करना है, ये छिड़काव करके फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, बीज को अच्छी तरह हल हो जाए दवाई। इसके बाद फिर हाथ के साथ इसको हला देना है।